मामला ये है कि ये दारू की दुकान महादेवा के नाम से लाट है, जिसमें महादेवा वार्ड नंबर 2930 उसके साथ में आते हैं। ये पहले महादेवा में खुली हुई थी, इसके बाद इन लोगों ने यहाँ अचानक शिफ्ट कर दिया है। यहाँ की जो बाढ़ की जनता है वो इसका भरपूर विरोध कर रही है, क्योंकि यहाँ आगे काली माता ज्वाला माता के मंदिर है और दुकान के जस्ट बगल में कराटे सेंटर है, वहीं बगल में ब्यूटी पार्लर है, इसलिए लोग ये चाह रहे हैं कि चौराहे में दुकान न खुले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों की सुरक्षा भी रहेगी और जनहित में भी है। जहाँ अगर दारू की दुकान की बात करें, पास मंदिर है, पहली बात तो मंदिर से दूर होना चाहिए, धार्मिक स्थल है, और दूसरा ये कि ब्यूटी पार्लर खुली, लेडीजों को आने जाने में दिक्कत होगी, अगर कल के दिन दिखती है, वहीं बच्चे भी जाते हैं, मतलब एक अलग संकेत जा रहा बच्चों के प्रति जी, क्योंकि जहाँ दारू की दुकान, इसलिए आप क्या कह रहे हैं? नहीं, इसीलिए वो कर रहे थे क्योंकि यहाँ से बच्चे हैं, असुरक्षा होगी, आए दिन कोई ना कोई घटना, अपनी घटनाएं घट सकती हैं, इसीलिए सभी का आग्रह था ये दुकान यहाँ से हटा के अन्यत्र कर दिया जाए, क्योंकि शासन की ने दुकान अलाट किया कहीं ना कहीं खोलेंगे, लेकिन पब्लिक प्लेस के अंदर नहीं होना चाहिए और ऐसी जगहों में नहीं होना चाहिए। अभी SDM साहब भी आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि ठेकेदार से बात हुई है, वो जगह देख रहा है, क्या लग रहा है आपको, जगह देखने के बाद दुकान शिफ्ट हो जाएगी कि हवा में ऐसे बातें चल रही? अभी तो आश्वासन उन्होंने दिया है, SDM साहब ने भी दिया है, ठेकेदार ने भी दिया है कि हम जगह देख के और स्थान परिवर्तन तुरंत कर देंगे। CSP साहब भी आए हुए हैं, सभी ने आश्वासन दिया है। कितने दिन का आश्वासन दिया, कितने दिन की? उन्होंने दिया है कि एक दो दिन आज कल के अंदर के हम दुकान शिफ्ट कर देंगे। आज ही बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं बालकृष्ण शुक्ला, मेरी मिसेज यहाँ से पार्षद है, वार्ड नंबर 29 से रानी देवी शुक्ला। यहाँ आज गवर्नमेंट की लाइसेंस से दुकान शराब की जो है चालू हुई थी, तो मोहल्ले वालों का एतराज है कि यहाँ दुकान न खुली, उस संबंध में मोहल्ले के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो अभी बात हुई है ठेकेदार से कि वो आज दुकान देख रहा है, नई दुकान यदि आजू बाजू में होगी तो उधर उसको शिफ्ट कराने का प्रयास किया जाए। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।